हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत्योहार कहानियां में। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ 2024 में बसंत पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या होगा और बसंत पंचमी का महत्व क्या है, बसंत पंचमी की पूजा क्या है, बसंत पंचमी के दिन किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी का त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है इसी दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था और हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान बुद्धि और कला की देवी कहा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने से विद्या और प्रखर बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यह दिन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जो विद्यार्थी माता सरस्वती की पूजा अर्चना करता है उस पर माता सरस्वती अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। माँ सरस्वती को सफेद रंग का पुष्प अर्पित करें और सफेद मिठाई का ही भोग लगाए। बंधुओं, बसंत पंचमी के दिन हो सके तो विद्यार्थी पंचांग खरीद कर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। कहा जाता है ऐसा करने से विद्यार्थी पढ़ाई में निपुण हो जाता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए बंधुओं, जो भी विद्यार्थी हैं, बसंत पंचमी के दिन पंचांग खरीद कर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करें। पंचांग किसी भी शेलर से आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर जहां धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को बजंती माला अवश्य अर्पित करें। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और साल 2024 की माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी 2024 मंगलवार को दोपहर 2:41 से लेकर दूसरे दिन 14 फरवरी 2024 बुधवार की दोपहर 12:09 तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि होने के कारण 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा कैसे करें। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 7 से लेकर दोपहर 12:35 तक है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करें। पूजा इस प्रकार करें। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती पूजा करने से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माता सरस्वती की पूजा में पीले रंग का वस्त्र शुभ माना जाता है। ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा रखकर माता सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करें और माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब माँ को केसर हल्दी से तिलक करें और माँ को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ को सफेद मिठाई और पीली मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थान पर किताब और छोटा वाद्य यंत्र को स्थापित करके उसकी उपासना करें। अब माँ सरस्वती के इस लघु मंत्र ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः का जप करें और फिर माँ सरस्वती का 40 पढ़े और 108 नाम पढ़े और साथ ही माता की आरती करें। बंधुओं, जो कोई विद्यार्थी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करता है वह पढ़ाई में अग्रगण्य रहते हैं, अर्थात सबसे आगे रहते हैं और जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य बनते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने से बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन अभुज मुहूर्त होने के कारण इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन विवाह शादी के लिए भी अभुज मुहूर्त होता है, अर्थात मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने और दान करने का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के दिन कई जगह माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इस दिन भोग में खिचड़ी पीले चावल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है बसंत पंचमी के दिन से ही ठंड कम होने के साथ ही वातावरण अनुकूल होने लगता है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन भूलकर भी कलम कागज और शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान ना करें। बंधु, बसंत पंचमी के दिन किसी का अपमान ना करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।